रमजान का खास तीसरा आशरा शुरू हो चुका। 31 मार्च 2024 शाम को ही 21वीं तरावी के साथ ही रमजान का तीसरा आशरा शुरू हुआ। इस आशरे में बंदे को जहन्नम के आग से नजात मिलेगी। साथ ही 21वीं रात पहली शबे कद्र यानी लैलतुल कद्र, जिसे हजार रातों से अफजल माना जाता है। कल रात 5 रातों में से पहली रात गुजर चुकी, अभी आने वाली 4 रातें बाकी है। इन 5 रातों में से कोई एक लैलतुल कद्र की रात होगी। शबे कद्र आखिरी रमजान की 5 रातों में से कोई एक रात होती है, मतलब बंदों को 5 रातों में जाकर अल्लाह को राजी करते हुए एक रात को तलाश करना होता है। और रातें ये है 21, 23, 25, 27 और 29। इन्हीं रातों में से कोई एक रात शबे कद्र की होती है। ऐसा क्यों? शबे कद्र की रात को क्यों छुपाई गई? रमजान के आखिरी अशरे की बाबरकत रात को कुरान मजीद में लैलतुल कद्र की रात कहा गया है। सूरे कद्र में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को इसी रात में नाजिल किया जिस रात अल्लाह अपने रसूल को ये बताने वाले थे कि शबे कद्र कौन सी रात में होगी। उसी वक्त दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, बस इनके लड़ाई झगड़े की वजह से लैलतुल कद्र की तारीख को उठा लिया गया। यही वजह है कि बंदे को अब 5 रातों में से इसे तलाश करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको लैलतुल कद्र में पढ़ने वाली खास दुआ के बारे में बताएंगे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। अल्लाह हम सबको लैलतुल कद्र की कद्र करने की तौफीक अता करे। अगर हमें सिर्फ एक रात जाकर 84 बरस इबादत करने का सवाब मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। समझने वाले ही इसकी कद्र जान पाते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैं शबे कद्र की रात को पा लूं तो क्या दुआ करूं? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुन अफवा फअफून अन्नी। ए अल्लाह अज्जो वजल, आप बहुत माफ करने वाले है, आपको माफ करना पसंद है, इसीलिए मुझे माफ कर दो। रमजान के आखिरी अशरे की एक अहम इबादत है एहतिकाब, मतलब दुनिया से हटकर मस्जिद में एक तरफ बैठकर इबादत करना होता है, जिसे औरतें घर पर कर सकती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमजान के आखिरी अशरे में एहतिकाब करते थे। 10 दिनों के लिए मस्जिद में ही खाना पीना और सोना होता है। एहतिकाब से बस्ती का अजाब टल जाता है। ईद का चांद देखने पर एहतिकाब खत्म होता है।